नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आप सबों का जीवन दर्शन की ओर से। जैसा कि मैंने आप सबों को पहले ही बताया था, 2 जून रविवार यानी कल के दिन ऑल इंडिया जीके क्विज कंपटीशन इससे रिसाइटेशन और डिबेट एंड स्पीच आयोजित किया जाएगा। समय 7:30 पर और वेन्यू है प्रेम हरि भवन मलिंचा। मैं वेन्यू से ही बोल रहा हूँ, मैं हूँ खड़गपुर में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेम हरि भवन तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता क्या है। अगर आप मलिंचा रोड की ओर आते हैं खड़गपुर में, तो मेन मलिंचा रोड में एक्सिस बैंक से थोड़े आगे जा कर के या फिर धोबी घाट मैदान के पास से ही आप प्रेम हरि भवन में आ सकते हैं। अंदर आने के बाद आपको पहले तल्ले यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर आ जाना है। हमारे टीम के बाकी वॉलंटियर्स आपकी सहायता के लिए ग्राउंड फ्लोर पर भी अवेलेबल रहेंगे। प्रयास करें कि 7:30 की रिपोर्टिंग ना समझ के 7 बजे की रिपोर्टिंग आप समझें। ठीक सुबह 7:30 इससे कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि करीब 9 बजे तक चलेगा। और उसके बाद क्विज कंपटीशन के लिए एक हीट्स राउंड यानी कि टीम सिलेक्शन राउंड होगा, जिसमें कि 6 टीमों का सिलेक्शन किया जाएगा। आगे की जानकारी कल ही मैं आपको दूंगा। और क्विज के बाद जितने भी बच्चों ने कविता प्रतियोगिता एवं डिबेट यानी वाद विवाद तथा स्पीच यानी कि भाषण प्रतियोगिता में अपना नाम दिया है, वे भी अपना नाम यहाँ आकर एक बार फिर से कन्फर्म करेंगे। आप सबों के लिए जलपान की व्यवस्था होगी और दोपहर के समय भोजन का भी प्रबंध आप सबों के लिए किया गया है। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट यहाँ आने वाले हैं, वो ठीक 7 बजे सुबह आ जाए। और जितने भी माइनर हैं यानी क्लास 5 से 8 के बच्चे, वो अपने गार्जियन के साथ ही आए। और बाहर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक बार मेरा फिर विनम्र निवेदन है कि हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें और अपने साथ पानी और ग्लूकोज की बोतल भी लेकर आएँ। हम प्रयास करेंगे कि हाइड्रेशन की व्यवस्था यहाँ की जाएगी और जलपान भी दिया जाएगा, पर अपने साथ अपनी स्टेशनरी, अपना वाटर बोतल ज़रूर लाएँ और अपने गार्जियन के भी साथ आएँ। उनके लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था ज़रूर। किसी भी तरह की तकलीफ़ के लिए आप दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल ऑल इंडिया जीके एनआईसी कंपटीशन में। मैं प्रकाश लाल, जीवन दर्शन की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन।